हमने कूलम्स लॉ की स्टडी कर ली है। कूलम्स लॉ ने क्या किया है, आपको एक वैल्यू दे दी है फोर्स की और साथ ही साथ आपको डायरेक्शन बता दिया गया है, ठीक है। बट यहां पर आपको सिर्फ एक फोर्स ही तो दिया गया है, और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आप मत भूलिएगा। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बड़े अच्छे से फोर्स को मास एंड एक्सेलरेशन के इक्वल बता रहा है। तो यहां पर आसानी से मैकेनिक्स मिक्स की जा सकती है और ढेर सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ एक दो सवाल करके आपको प्रेजेंट करता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए, अब मान लीजिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ओके, और यहां पर सेंटर पे एक स्मॉल क्यू है, ठीक है। आपको निकालना है इस स्मॉल क्यू पे फोर्स कितना है, राइट। अब ये जो स्मॉल क्यू है इक्विडिस्टेंट है यहां से यहां से यहां से, तो जो फोर्स लगेगा बिटवीन दीज टू ऐसा लगेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऐसा लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऐसा लगेगा, ठीक है। और आप ये जानिएगा कि ये एंगल और ये एंगल 60 डिग्रीज है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड वाइज सारे फोर्स सेम है, isn't it? तो उसके बाद अगर आप इसका कंपोनेंट लेंगे along x और along y axis, तो देखिए क्या आता है। along x axis आप कंपोनेंट ऑफ फोर्स यहां पे लेंगे तो f sin 30 आएगा, सॉरी f cos 30 आएगा यहां पे, और f cos 30 यहां पे आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टली नेट फोर्स जीरो है। इस पे वर्टिकली अगर देखने जाएंगे तो इसका along this direction फोर्स आता है f by 2 का, और इसका भी f by 2 आएगा, कैसे f by 2, f cos 60, राइट। सो f by 2 प्लस f by 2, सो टोटल फोर्सेस f, तो ऊपर भी f है और नीचे तो f था ही, तो नेट नेट जीरो हो गया along y axis also, सो along x axis भी जीरो है और along y axis भी जीरो है, सो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज जीरो, ओके। तो ये तो एक सिमेट्रिकल सा सिनेरियो हो गया। अब हम जानते हैं एक और कुछ, मतलब किस तरह से हम लोग मैकेनिक्स और मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है इस तरह से, ठीक है, ये एक आपका चार्ज है Q1, चार्ज है इस पे, इसका मास है M1, इसके साथ ही साथ एक और चार्ज लगा हुआ है और इसका चार्ज है Q2 और मास है M2, और इन दोनों के बीच का जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो L है, ओके। आपको निकालना है टेंशन इन दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए Q1 का। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, अगर मान लीजिए गिवन है Q1 into Q2 is greater than zero, अगर ये गिवन है इसका मतलब है कि दोनों सेम साइन है दोनों चार्जेस का, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, राइट। तो Q1 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना मैग्नीट्यूड होगा, K टाइम्स Q1 Q2 by L square, ठीक है। नीचे कितना लगेगा, एक तो M1G लगेगा और यहां से T1 भी तो लगेगा इस स्ट्रिंग के द्वारा टेंशन, राइट, और यहां से भी एक T2 फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये लगेगा, ये सिचुएशन होगी यहां पे, राइट। आप ये हमेशा याद रखिए कि टेंशन हमेशा चीजों को खींचेगा, टेंशन कभी भी इसको इस तरह से धक्का नहीं दे सकता है, टेंशन स्ट्रिंग के अलॉन्ग होता है और वो खींचता है, यहां से ये स्ट्रिंग खींचेगी और वहां से वो स्ट्रिंग खींचेगी इसको, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखने जाएंगे तो नेट फोर्स नीचे की तरफ अगर लिखें तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख पाएंगे इसको, के क्यू वन क्यू टू बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो, ऑल फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड, राइट। अब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो ये रहा M2, ठीक है, नीचे तो M2G आएगा, ये तो अर्थ पुल कर रही है इसको M2G फोर्स से, राइट, और एक रिपल्सिव फोर्स आएगी यहां पे, इसको लिखेंगे K Q1 Q2 by L square, और ये रहा आपका टेंशन, Let us say this is T1, okay? तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, M2G
प्लस के टाइम्स क्यू वन क्यू टू बाई एल स्क्वायर माइनस टी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपके पास दो वेरिएबल हैं टी वन और टी टू, वहां से तो आप टी वन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टी टू भी चाहिए तो टी वन की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपकी वैल्यू ऑफ टी टू आ जाएगी। राइट, तो आप ये सवाल जब सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का नॉलेज है वो इट इज नॉट मोर देन 5% ऑफ द प्रॉब्लम, इजंट इट। यहां पर बस एक फोर्स की वैल्यू ही तो निकाल के दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने, रेस्ट ऑल इज लॉज ऑफ मोशन। तो इस तरह से ढेर सारे सवाल हैं जिसमें लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी सब मिक्स किया रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स ट्रिकी हो जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, हमको मिनिमम इसमें 3 घंटे बिताने पड़ेंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया है। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कूलम्स लॉ के ऊपर आप कम से कम 20 से 30 सवाल खुद से लगाइए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में मेरे लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।